नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल किशोर शर्मा इंग्लिश पॉइंट से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ ऐसी वर्ब के बारे में जिन्हें आप नॉर्मली सेंटेंस में यूज करते हैं तो शायद वो आप हो सकता है आप गलत उन्हें प्रयोग कर लें। गलत इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी वर्ब के बारे में जो वर्ब हैं आपकी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। कैसी वर्ब है दोस्तों? नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स। अब ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स होती क्या है? तो देखिए, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जिन्हें हम सामान्य तरीके से किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लगा सकते। जी हाँ दोस्तों, आपने यदि अभी तक नहीं पढ़ा है ये रूल तो आज आप इस क्लास में यही पढ़ने वाले हैं कि इंग्लिश में ऐसी सैकड़ों वर्ब हैं जिन्हें आप किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो प्रोग्रेसिव होता है इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस, याद रखिए। तो यानी कि हम यहाँ पर बताने वाले हैं नॉन कंटिन्यूअस वर्ब के बारे में। तो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब या नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, इनका एक नाम और है, उन्हें हम कहते हैं स्टेट वर्ब। इन्हीं वर्ब को हम कौन सी वर्ब कहते हैं? स्टेट वर्ब। ये इनके नाम है, डिफरेंट तरीके से आपको किताबों में लिखे हुए मिलेंगे, स्टेट वर्ब, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, या फिर कहीं पर ये मिल जाए कि आपका नॉन एक्शन वर्ब, है ना, किसी भी तरह से आपको आपकी किताबों में मिल सकती हैं तो आप देख लें। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि इंग्लिश में ऐसी सैकड़ों वर्ब हैं जिन्हें हम सामान्य तरीके से कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं कर पाएंगे। प्रयोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये वर्ब जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये वर्ब ऐसी वर्ब हैं जो कि उन वर्ब में एक्शन नहीं होता कोई भी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस क्या बताता है कि कोई काम है तो वो क्या है? रेगुलर चल रहा है कोई काम, मतलब कोई काम कंटिन्यू है तो उस वर्ब को हम कंटिन्यूअस में लगा लेते हैं। जैसे चलना, दौड़ना, खाना पीना, सोना, ये काम चलते हैं, दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ वर्ब हैं जो मैं चलो लिख देता हूँ, ये वर्ब क्या है? नॉन प्रोग्रेसिव है। इन वर्ब में आपको एक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा वो जान लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले अपनी लिस्ट बनाते हैं अच्छी सी कि नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। देखिए, तो सबसे पहली वर्ब मैं ले लेता हूं सी, SEE। तो सी मींस क्या होता है? सी मींस होता है देखना, ठीक है। अब क्या आप इस तरह से बोल सकते हैं I am seeing the board, मैं बोर्ड देख रहा हूं? नहीं बोल सकते। इंग्लिश में इस तरह से आप नहीं कह सकते क्योंकि सी वर्ब आपकी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। यदि आपके पास एक अच्छी सी डिक्शनरी हो तो आप उसमें देखें, उसके आगे लिखा मिलेगा सी के आगे नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस, या फिर आप गूगल पे ऑनलाइन सर्च कर लें, ऑक्सफर्ड और भी कई सारी डिक्शनरी, कॉलेज वगैरह, कैम्ब्रिज, तो वहाँ पर आपको आगे लिखा मिलेगा सी के आगे नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस या नॉट यूज्ड इन प्रोग्रेसिव टेंस, इस तरह से दोस्तों लिखा मिल जाएगा। इसका मतलब कि ये जो सी वर्ब है ये सामान्य तरीके से कंटिन्यूअस टेंस में हम नहीं लगा सकते। और देखिए, नेक्स्ट वर्ब है हमारी हियर, HEAR। हियर मींस क्या होता है? सुनना। हियर वर्ब भी एक ऐसी वर्ब है जिसे आप कंटिन्यूअस टेंस में सामान्य तरीके से नहीं लगा सकते। दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाली बात है, मैं ये बोल रहा हूं सामान्य तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन वर्ब का यूज कभी हो ही नहीं सकता कंटिन्यूअस में। हो सकता है लेकिन वहां पर सेंस या उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अभी मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वर्ब है आपकी टेस्ट, TST। टेस्ट मीन्स स्वाद लेना, ठीक है। स्मेल वर्ब है आपकी। इन वर्ब को आप सामान्य तरीके से नहीं लगाएंगे कंटिन्यूअस में, है ना। कब लगाएंगे कब नहीं लगाएंगे अभी एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताते हैं। लाइक है, डिसलाइक है, आप ध्यान दें तो आपने ये वर्ब कंटिन्यूअस में लगी हुई देखी भी नहीं होगी। आप बुक्स में आप रीडिंग करते होंगे तब आपको ये लगी हुई नहीं मिलेंगी। जैसे हैव है, ओन, पजेस,
रिमेंबर, थिंक, सीम, ये लिंकिंग वर्ब है, एपियर, क्वेंटेन, कंसिस्ट। ओके, आगे है नो, वांट, प्रफर, नीड, लव, हेट, अंडरस्टैंड। तो ऐसी दोस्तों सैकड़ों वर्ब हैं जो अभी मैंने थोड़ी लिखी है, इस तरह की सैकड़ों वर्ब हैं जो कंटिन्यूअस टेंस में आप सामान्य तरीके से इन्हें प्रयोग नहीं कर पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आप इसे लिस्ट को लिख लीजिए, है ना। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इनका एडवांस यूज किस तरह से हम करेंगे वो आप जान लेते हैं। सिंपल भी बताएंगे और एडवांस यूज भी बताएंगे, किस तरह से कहां पर हम इन वर्ब का यूज करेंगे कंटिन्यूअस टेंस में और कहां पर इन वर्ब का यूज कंटिन्यूअस में नहीं करेंगे। तो देखिए आपने कौन कौन सी वर्ब देखी होंगी कंटिन्यूअस में, मैं बता देता हूं। आपने सी वर्ब को देखा होगा, हियर वर्ब भी देखा होगा, टेस्ट शायद है कि नहीं देखा हो लेकिन हो सकता है, किस तरह से होगा मैं आपको बता दूंगा। और आपकी थिंक वर्ब हैव वर्ब है, ये कुछ वर्ब हैं जिन्हें आप जो वर्ब आपने कंटिन्यूअस टेंस में लगी हुई देखी होगी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपने और भी कोई वर्ब कंटिन्यूअस टेंस में देखी हो। हाँ, वर्ब के रूप में नहीं देखी होगी, यदि ये जीरंड बन जाए तो ये भाई नाउन हो जाए, क्यों जीरंड आपके नाउन होते हैं तो कंटिन्यूअस टेंस आप उसे नहीं मानेंगे और वो नाउन के रूप में कहीं लिखा हो रहा, यदि जीरंड हो रहा तो। ठीक है, तो मैं सब इसे हटा देता हूँ और यहाँ पर अब आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप इन वर्ब को कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करेंगे और किस तरह से कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए देख, सबसे पहले मैं लेता हूँ अपनी एक वर्ब सी। सी मीन्स क्या होता है, वो होता है देखना। सी मीन्स देखना। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी, जब सी का अर्थ आंखों के देखने से हो, मतलब आंखों के देखने से हो, तो सी वर्ब को कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कंटिन्यूअस हमें ये बताता है कि कोई काम शुरू हुआ है तो वो फिनिश भी हो रहा। ठीक है, आपको क्या ये मालूम है कि आपके देखने का काम कब शुरू हुआ है और कब फिनिश हो रहा, क्या आपको ये मालूम है कि आपके देखने का काम कब शुरू हुआ और कब फिनिश हो रहा? नहीं मालूम होगा आपको कब आपका देखने का काम फिनिश हो रहा। जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, एंडिंग पॉइंट नहीं पता, तो कंटिन्यूअस में कैसे बना देंगे। और स्पेशली ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है, इंद्री बोध वाली वर्ब है, तो जितनी भी सेंस से रिलेटेड वर्ब होती, जितनी भी आपके सेंस हैं बॉडी में, उन सेंस से रिलेटेड जितनी भी वर्ब होगी दोस्तों, वो कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में सामान्य तरीके से प्रयोग नहीं कर सकते। मैं दोस्तों आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि वो वर्ब आपको मिलेगी नहीं किताबों में, मिल जाएगी लेकिन उसका यूज वहाँ पर डिफरेंट होगा, ये बात 100% सही है। तो देखिए, तो जब सी का अर्थ आंखों के देखने से हो तो आप सी को कंटिन्यूअस में नहीं लगा सकते। जैसे मैंने पहला सेंटेंस बोला था कि मैं बोर्ड देख रहा हूं, आप इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, क्या आप ऐसे बनाएंगे आई एम सीइंग द बोर्ड, तो दोस्तों ये रॉन्ग हो गया सेंटेंस। क्यों रॉन्ग हो गया, जब सी का अर्थ आंखों के देखने से हो दोस्तों, तो वो सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस में सी वर्ब को नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो फिर आप इसे कौन से टेंस में बनाएं, तो याद कर लो जितनी भी वर्ब नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब हैं उन्हें इनडेफिनिट टेंस में बनाइए, या हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगाना है तो परफेक्ट टेंस में बनाइए। यानी कि हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बना पाएंगे, हम इसे किससे बना सकते हैं, आई सी द बोर्ड, ये सेंटेंस करेक्ट होगा। और यहां पर चार वर्ब मैं आपको बता दूं कौन कौन सी आपकी चार वर्ब हैं, सी, हियर, टेस्ट एंड स्मेल। दोस्तों ये चार वर्ब जो है ना, इन चार वर्ब को आप कैन मॉडल वर्ब से लिख सकते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं आई कैन सी द बोर्ड बट नॉट आई एम सीइंग द बोर्ड, ये रॉन्ग हो जाएगा। यानी चार वर्ब को याद कर लीजिए, ये वर्ब चार वर्ब या तो मोस्टली आपको किताबों में प्रेजेंट सिंपल में लिखी मिलेगी
या फिर आपको कैन मॉडल वर्ब से ये मिल जाएंगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए ये सारे पॉइंट आप लिखते जाइए अपनी कॉपी में, ठीक है ना, जिससे आपको बाद में कभी रिवीजन करोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि सी वर्ब का यूज आप कंटीन्यूअस टेंस में किस तरह से कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ आई एम सीइंग माई फ्रेंड टुमारो, आई एम सीइंग माई फ्रेंड टुमारो, तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, मैं कल अपने मित्र से मिलूंगा। यहां पर सी का जो मतलब है वो आंखों के देखने से नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है मीटिंग से। किससे अर्थ है दोस्तों, मीटिंग से। आई एम सीइंग माई फ्रेंड टुमारो मीन्स आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टुमारो इवनिंग, मैं कल अपने दोस्त से मिलूंगा। यहां पर मिल रहा हूं, देख रहा हूं, ये अर्थ भी नहीं आएगा इसमें, क्योंकि यहां पर देखिए टाइम लगा हुआ है टुमारो, टुमारो क्या बताएगा, फ्यूचर एक्सप्रेशन है। तो दोस्तों प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के माध्यम से फ्यूचर टेंस भी बताया जाता है। इसके ऊपर मैं बहुत ही जल्दी आपको एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि केवल बिल और सेल लगा होने से ही कोई टेंस फ्यूचर नहीं बनता, बल्कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखें तब भी वो फ्यूचर बन जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस लिख लें तब भी वो फ्यूचर बन जाएगा, है ना। और भी कई सारे यूजेस हैं फ्यूचर बताने के, सारे बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि सी का अर्थ मीट से है, न कि आंखों के देखने से। जब सी का अर्थ मीट से हो तो सी वर्ब को आप कंटीन्यूअस टेंस में चाहें तो ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये सेंटेंस रॉन्ग नहीं है, लेकिन जब यहाँ आंखों के देखने से कोई चीज़ होती तो आप सी वर्ब को कंटीन्यूअस में नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ब आप और देखें, जैसे अपना एक है सी ऑफ, है ना, सी ऑफ करने जाते हैं, कोई अपने यहाँ रिलेटिव आ जाए तो उसे सी ऑफ करते हैं, यानी स्टेशन तक छोड़ दें या बस स्टैंड तक आप छोड़ाएं तो सी ऑफ होता है। तो जब यहाँ पर सी का मतलब आंखों के देखने से नहीं हो रहा, तो आप क्या कह सकते हैं, आई एम सी ऑफ माई ब्रदर एट द स्टेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपने भाई को स्टेशन तक छोड़ने जा रहा हूं, है ना। तो यहां पर सी ऑफ का मतलब आंखों के देखने से नहीं बल्कि विदाई देने से है, स्टेशन तक या बस स्टैंड तक छोड़ने से होगा। तो इस सिचुएशन में आप देखते जाइए, यहां पर सी का अर्थ मीट से है, यहां पर सी ऑफ एक फ्रियल वर्ब है जिसका मतलब होता है विदाई देना। तो इस सिचुएशन में आप सी वर्ब को कंटीन्यूअस में लगा सकते हैं, अदरवाइज जो यदि आंखों के देखने से हो रहा, जैसे आप कह सकते हैं आई कैन सी दैट मैन, आई सी दैट मैन बट नॉट आई एम सीइंग दैट मैन, मैं उस आदमी को देख रहा हूँ, आप ऐसे नहीं कह सकते आई एम सीइंग दिस मैन या दैट मैन, ठीक है ना, क्योंकि सी वर्ब को कंटीन्यूअस टेंस में नहीं लगा सकते यदि उसका अर्थ वर्ब ऑफ परसेप्शन से होता है तो, ठीक है, इंद्रिय बोध से हो तो। आइए देखिए आपको और वर्ब बताता हूँ कि कौन सी वर्ब कंटीन्यूअस में आप लगा पाएंगे और कौन कौन सी वर्ब कंटीन्यूअस में नहीं लगा पाएंगे। ये तो ही आपकी पहली वर्ब सी, कि सी वर्ब को आप किस तरह से कंटीन्यूअस में लगा सकते हैं। अब आपकी आती है नेक्स्ट वर्ब, हम देखें आपकी लिख लेते हैं हियर, एच ई ए आर। हियर मीन्स क्या होता है दोस्तों, हियर मीन्स होता है सुनना, हियर मीन्स सुनना। तो जब भी जो वर्ब आपकी हियर है ना, ये भी आपकी कैसी वर्ब है, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, यानी कि इस वर्ब को भी आप सामान्य तरीके से कंटीन्यूअस टेंस में नहीं लिख पाएंगे। जैसे आप ये नहीं कह सकते आई एम हियरिंग यू, आई एम हियरिंग यू, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, ये रॉन्ग होगा। करेक्ट सेंटेंस कैसे बनाएंगे, करेक्ट सेंटेंस होगा आई कैन हियर यू और आई हियर यू, इस तरह से। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि यदि मैं ये कहता हूँ मैं आपको सुन रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सुनने के साथ साथ हो सकता है आसपास की और भी जो आवाज़ें हों वो भी मेरे कानों में जा रही होंगी, तो सुनने की कहीं ना कहीं जो प्रोसेस होगी उसमें हिंड्रेंस होगा,
है ना। लेकिन हियर वर्ब को कंटिन्यूअस में लगा सकते हैं जब लिसन अटेंटिवली से अर्थ हो तो, जब भी आप कॉलेज में प्रोफेसर का लेक्चर सुन रहे हो ठीक है, बहुत ही अटेंटिव होकर सुनते हैं, तो आप वहाँ कह सकते हैं कि आई एम हियरिंग द लेक्चर ऑफ माई प्रोफेसर, आई एम हियरिंग बोल सकते हैं। क्यों? व्हेन हियर मीन्स लिसन अटेंटिवली, यू कैन यूज हियर वर्ब इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और एनी कंटिन्यूअस टेंस या और प्रोग्रेसिव टेंस ठीक है। नेक्स्ट है कि जब भी हियर वर्ब को केस के लिए प्रयोग किया जाए, जब जज केस की सुनवाई कर रहा हो तो आप हियर को कंटिन्यूअस में यूज कर सकते हैं, क्योंकि जज वन टाइम पर केवल एक ही केस की हियरिंग कर रहा होगा, दो केस साथ में नहीं चल रहे होंगे, तो वहां पर आप कह सकते हैं टुडे द जज इज हियरिंग माई केस, आज जज मेरे केस की सुनवाई करेगा, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। लेकिन नॉर्मली आप हियर को कंटिन्यूअस में नहीं लगा सकते। जैसे आप सोचो कि गली में खड़े हो और वो दोस्त से बोलते हो आई एम हियरिंग दैट म्यूजिक, इट इज वेरी गुड या नाइस, तो आप वहाँ इस तरह से नहीं बोल सकते, क्योंकि उस म्यूजिक के साथ साथ हो सकता है कि और भी साउंड आपके कानों में जा रहे हों, जिससे उस म्यूजिक को सुनने की जो प्रोसेस है उसमें हिंड्रेंस आ जाए, है ना। तो नॉर्मली हियर वर्ब आप कंटिन्यूअस में नहीं लगाएंगे। तो ये सेंटेंस आप कैसे बना सकते हैं? आप कह सकते हैं आई कैन हियर यू और आई हियर यू, आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं आई कैन हियर यू और आई हियर यू। मैंने बताया कि चार वर्ब हैं सी हियर टेस्ट एंड स्मेल, इन चार वर्ब को आप या तो सिंपल टेंस में बनाइए या फिर आप मॉडल वर्ब टेंस से भी बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, हम नेक्स्ट है हमारी वर्ब स्मेल। स्मेल मीन्स क्या होता है? सूंघना ठीक है दोस्तों। तो स्मेल का अर्थ जब नाक से सूंघने, तो यानी स्मेल लेने से हो, सुगंध लेने से हो, तो आप स्मेल वर्ब को कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लगा सकते। मैंने बताया कि स्मेल भी आप क्या है, इंद्री सेंस है आपका, जो आपकी बॉडी उसमें सेंस है, और जितनी भी सेंस से रिलेटेड वर्ब होती है दोस्तों उन्हें सामान्य तरीके से कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे अब यहाँ पर मैं सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे आई एम स्मेलिंग द रेड रोज। दोस्तों क्या ये सेंटेंस सही लिखा है? आई एम हियरिंग द रेड रोज, मैं लाल गुलाब का फूल, जो गुलाब का फूल होता है रेड, और गुलाब के फूल कई तरह के होते हैं, डिफरेंट तरीके के कलर डिफरेंट होता है, तो जो रेड रोज है उसको मैं स्मेल कर रहा हूँ, लेकिन ये सेंटेंस रॉन्ग है दोस्तों। पता है क्यों? एक सेंटेंस और लिखता हूँ, आई एम स्मेलिंग द वाइट रोज, द वाइट रोज ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दो सेंटेंस लिखिए, आपको बताना विच वन इज राइट, और बोथ हैं या फिर दोनों सही है दोनों गलत है, ये बताना। कमेंट करते जाइए दोस्तों, साथ में लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक आप करते जाएंगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ चलो भाई अच्छा लग रहा है आपको हमारी क्लासेस लेना। तो दोस्तों देखिए, आई एम स्मेलिंग द रेड रोज, इसका मतलब हुआ कि मैं रेड रोज को स्मेल कर रहा हूँ, लेकिन ये रॉन्ग क्यों हो गया? क्योंकि जो रेड रोज होता है ना उसमें से तो स्मेल आती है, तो वो नेचुरल हो रहा, और जब वो नेचुरल है तो आप यहाँ पर इसे कंटिन्यूअस में नहीं बना सकते, क्योंकि स्मेल वर्ब कंटिन्यूअस में आएगी ही नहीं। रूल ये है कि जब हम किसी चीज़ में सुगंध का पता लगाने की कोशिश कर रहे हो, क्या कर रहे हो? किसी भी चीज़ में सुगंध का, इसे यानी स्मेलिंग का पता लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में स्मेल को हम कंटिन्यूअस में प्रयोग कर सकते हैं। जो आपका वाइट रोज होता है ना, इसमें से दोस्तों स्मेल नहीं आती, जब भी आपके हाथ में स्मेल वाइट रोज हो रहा तो आप उसे स्मेल करेंगे तो नहीं आएगी, तो आप क्या करेंगे? सुगंध का पता लगाने की कोशिश करेंगे, स्मेलिंग करेंगे बहुत ज़्यादा, तब आप कह सकते हैं आई एम स्मेलिंग द वाइट रोज। लेकिन जो रेड रोज होता है इसमें क्या है कि इसमें तो भी स्मेल आती है, और जब स्मेल आती है तो आप वहाँ पर सुगंध का पता नहीं लगाएंगे, आप उसे इंजॉय करेंगे। तो इस सिचुएशन में ये सेंटेंस आपका हो जाएगा रॉन्ग। आप इसे कैन से बना सकते हैं या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस में बना सकते हैं। तो आप कह सकते हैं आई कैन स्मेल द रेड रोज या आई स्मेल द रेड रोज, लेकिन ये सेंटेंस सही है दोस्तों। स्मेल को आप इस सिचुएशन में कंटिन्यूअस में यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता रहा हूँ कि आप इन वर्ब का यूज कर भी सकते हैं कंटिन्यूअस टेंस में और नहीं भी करेंगे, और जितने भी एग्जाम्स दोस्तों होते हैं इन वर्ब में से डेफिनेटली एक या दो सेंटेंस क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो मोस्टली स्टूडेंट के वीक होते हैं,
और उन्हीं को मैं आपको पूरा कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए और तो आप हमें ज़रा लाइक कर दें, और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए ना तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिए वहाँ पर, ठीक है। तो आप आगे देखें, ओके। नेक्स्ट वर्ब हम देखते हैं आपकी थिंक। थिंक मीन्स क्या होता है, आप हिंदी में बोलेंगे तो सोचना, ठीक है। तो थिंक वर्ब को नॉर्मली हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि थिंक वर्ब आपकी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब होती है। तो दोस्तों यहां पर देखिए, जब थिंक का मतलब हो किससे, बिलीव से। व्हेन थिंक मींस बिलीव, वी नेवर यूज थिंक इन प्रोग्रेसिव टेंस। जब थिंक का मतलब बिलीव से हो, है ना, यही मेंट आपका माइंड से रिलेटेड है, तो ये भी आपकी सेंस हो जाएगा, है ना। और जितनी भी सेंस से रिलेटेड अर्थ आते हैं वर्ब के दोस्तों, उन्हें मैंने बताया है कंटिन्यूअस टेंस में आप नहीं लगा पाएंगे। तो आप ऐसे नहीं कह सकते आई एम थिंकिंग ही विल पास। यदि इस तरह की आपको चार एग्जाम्पल इसी की दे दी जाए चेंज करके, और ये पूछा जाए कौन सा सेंटेंस सही है, विच वन इज राइट, तो आप दोस्तों हिंदी अर्थ निकालेंगे और हिंदी अर्थ के आधार पर आप कहीं ना कहीं सेंटेंस को रॉन्ग कर लेंगे, क्योंकि आपने रूल्स में हो सकता है कि जिस तरह से टेंस पढ़ने चाहिए उस तरह से ना पढ़े हों। यदि आपने ट्रांसलेशन के मेथड से पढ़े दोस्तों, तो हो सकता है आपके टेंस बहुत ही ज़्यादा वीक होंगे, ठीक है। तो ये जो लिखा है सेंटेंस, मैं सोच रहा हूँ वह पास हो जाएगा, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। आई एम थिंकिंग मीन्स आई एम बिलीविंग, तो ये भी याद कर लो कि बिलीव वर्ब भी आपकी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। कैसी वर्ब है दोस्तों, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, यानी बिलीव वर्ब भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आएगी। आई एम बिलीविंग नहीं होता कभी, ही इज बिलीविंग नहीं होगा, ही बिलीव होगा, आई थिंक होगा, नॉट आई एम थिंकिंग। तो क्या लिखेंगे, आई थिंक, ठीक है। लेकिन थिंक वर्ब को आप कंटिन्यूअस में लगा सकते हैं, कब लगाएंगे देखिए, जब थिंक मीन्स हो सीरियस से। जब थिंक का मतलब हो सीरियसनेस से, जैसे आई एम थिंकिंग ऑफ सेलिंग माई कार, मैं अपनी कार को बेचने के लिए सीरियस हूं। जैसे देखिए दोस्तों सेंटेंस है, आई एम थिंकिंग ऑफ सेलिंग माई कार। दोस्तों याद कर लीजिए कि थिंक जो वर्ब है ना, इसके बाद दो प्रपोजिशन आते हैं, थिंक ऑफ होता है, थिंक अबाउट होता है। कई बार आपको डैश करके ऐसे प्रपोजिशन भी करने के लिए पूछे जा सकते हैं, तो आपको दो में से कोई एक ऑप्शन चार ऑप्शन में मिल जाएगा, और आप थिंक के बाद बहुत ही इजीली यहाँ पर ऑफ या अबाउट का यूज कर सकते हैं। ये भी याद कर लीजिए दोस्तों कि ऑफ के बाद जब वर्ब हम लगाते हैं तो उसे हमेशा जीरंड फॉर्म में ही लगाना है, ऑफ ही नहीं, ये है आपका प्रपोजिशन। और किसी भी प्रपोजिशन के बाद आपको वर्ब लगानी हो तो वो हमेशा जीरंड फॉर्म में यूज की जाएगी, आप इसका कोई दूसरा फॉर्म यहाँ पर सेलिंग का नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ क्या अर्थ हो जाएगा, आई एम थिंकिंग ऑफ सेलिंग माई कार, यानी मैं अपनी कार को बेचने के लिए सीरियस, बिलीव से अर्थ नहीं है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो व्हेन थिंक मीन्स बिलीव, वी नेवर यूज थिंक इन कंटिन्यूअस टेंस। व्हेन थिंक मीन्स सीरियसनेस से हो, तो आप थिंक को कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वर्ब देखते हैं कौन सी वर्ब है जिसे हम यूज कर पाएंगे कंटिन्यूअस में या नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वर्ब आपकी आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको मिली भी हो कई बार, हैव। हैव मीन्स क्या होता है, पास, रखना, इसी तरह से आप हिंदी अर्थ निकालेंगे हैव। तो हैव को क्या हम कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग कर सकते हैं, देखिए क्या आप ऐसे कह सकते हो, आई एम हैविंग टू पेंस। क्या दोस्तों ये सेंटेंस सही है, आई एम हैविंग टू पेंस, आई थिंक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हैव वर्ब जो है ना, ये आपकी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। कैसी वर्ब है दोस्तों, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, जिसे आप कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर पाएंगे सामान्य तरीके से। लेकिन हैव वर्ब आपने बहुत ज्यादा काफी देखी होगी, तो मैं बताता हूँ किस तरह से होती है, देख। तो इसको जो सही लिखेंगे तो हम किस तरह से लिखेंगे, करेक्ट, आई हैव टू पेंस। मैंने बताया है कि जो वर्ब कंटिन्यूअस में नहीं लगा सकते उसे या तो इंडेफिनेट में लगा लीजिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिख रहे हो तो उसे परफेक्ट में कर लीजिए, ठीक है।
तो जब हैप्रा मतलब किससे हो दोस्तों, हैप्रा तो यदि आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कॉलिंस, कैम्ब्रिज कोई भी डिक्शनरी यदि आप देखेंगे ना, तो आपको लगभग 3 पेज उसके भरे हुए मिलेंगे, 3 या उससे ज़्यादा ही मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, हैप के साथ बहुत सारे फ्रेजेस बनते हैं, जैसे हैप फूड, या हैप फूड का मतलब भोजन रखने से नहीं होता, हैप फूड मीन्स ईट फूड, टेक फूड। हैप फूड होता है, हैव लंच होता है, हैव डिनर है, हैव सफर, हैव ए रेस्ट होता है, हैव ए चैट होता है, हैव ए कन्वर्सेशन होता है, हैव ए टॉक होता है ना। तो बहुत सारे हैव से एक्सप्रेशन बनते हैं, हैव ए बात है ना, हैव ए शॉवर है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन बनते हैं हैव से, जहाँ पर हैव का मतलब पास से नहीं उड़ा दोस्तों, वहाँ पर हैव का अर्थ हुआ निकलेगा। जैसे हैव ए चैट होता है, हैव अ शॉवर होता है, हैव ए बात होता है, ठीक है, एंड हैव फूड है, हैव लंच है। तो यहाँ पर दोस्तों हैव का मतलब कहीं भी पास से नहीं है, ठीक है। और जब हैव का मतलब पास से ना हो किसी अन्य अर्थ में के लिए, तो हैव वर्ब को कंटीन्यूअस में लगा सकते हैं। जैसे आई एम हैविंग फूड, आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम। यहाँ पर हैव ए गुड टाइम मीन्स हैव स्पेंड, हैव का मतलब स्पेंड से निकलेगा वहाँ पर। आई एम ईटिंग फूड, ओके, आई एम हैविंग फूड, तो वहाँ हैव का मतलब भी इससे हो रहा है, ईट से ही हो रहा है। आई एम टेकिंग फूड, सेम अर्थ है। तो वहाँ पर हैव मीन्स पास से नहीं, हैव का मतलब खाने पीने, नहाने धोने, आराम, बात, कई सारे फ्रेजेस हैं जिसमें हैव का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज भी जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ये आपको डेफिनेटली सही बताना है कि किस तरह का वीडियो लगा आपको, क्या इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई। यदि हुई हो तो लाइक जरूर कर लें दोस्तों वीडियो को, है ना, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और यहाँ पर आप फ्री में हमारी सारी ऑनलाइन क्लासेस देख सकते हैं। यदि आपने पुराने वीडियोज ग्रामर पर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें भी वॉच कर लें, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको आपके कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, या फिर आप अकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट की अकेडमिक हो या फिर कम्पिटेटिव एग्जाम हो, डेफिनेटली आपको इसी तरह। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।